Hey guys, यार वेलकम बैक टू माय न्यू अदर वीडियो। सो थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा। सो इस वीडियो में यार बेसिकली मैं बताने वाला हूँ कि जो मेरा पेमेंट है YouTube से वो कितना आया और कितना टाइम लग गया इसे आने में और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, ये सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और प्लस में गाइज जितना भी मेरे पास पेमेंट आया, जितना भी मनी आया मेरे पास, मैं उन सारे मनी का यार एक स्मार्टफोन परचेज करा हूँ। क्यों करा, कौन सा स्मार्टफोन परचेज करा और वो कैसा, उसका कैमरा कैसा है, कैमरा क्वालिटी कैसा है, कैसा उससे वीडियो रिकॉर्ड होगा ड्राइंग का, मैं सिर्फ ड्राइंग पर्पस के लिए ही वो स्मार्टफोन परचेज करा हूँ, तो सारा कुछ होगा, कैमरा मैं सब चीज दिखा दूंगा। सो गाइस यार एक तरह से ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग को काफी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। सो गाइस ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओह रुको रुको गाइस, एक बात बताना था कि जो भी नए व्यूअर फर्स्ट टाइम आओ या फिर रेगुलर व्यूअर्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा मेरे चैनल को, तो किस बात की देरी करते हो यार, सब्सक्राइब जरूर कर लो। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको प्रेस जरूर कर लेना, एक मोटिवेशन मिलता है यार, कर लो अभी के अभी कर लो। सो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइज यार फाइनली जो मेरा फर्स्ट पेमेंट है यूट्यूब की तरफ से वो आ चुका है। मतलब पिछले मंथ ही आया था बट मैं बिजी था, बहुत ज़्यादा बिजी था, इधर उधर वीडियोस भी अपलोड रेगुलर नहीं कर पा रहा था। मैं आप लोग को बताया भी था, जो रेगुलर रहते हो मेरे चैनल पे उनको पता होगा। सो फाइनली मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग को काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सो गाइज यार सब यूट्यूबर का एक सपना होता है कि उसका फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब से आए, तो उसी तरह यार एक मेरा भी एक छोटा सा सपना था कि मेरा भी कभी ना कभी यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट आए, तो फिर वो आ चुका है और मैं काफ़ी खुश हूँ और मेरे फैमिलीज में भी काफ़ी खुश है। तो एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मैं अभी तक जिस लेवल पे हूँ, मतलब अभी जो मेरा फर्स्ट पेमेंट आया वो पाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिल पाएगा। सो कंटिन्यूअसली आपको काफ़ी मेहनत करना होगा यूट्यूब पे, तब जाके आपका जो फर्स्ट पेमेंट है वो मिलेगा। सो गाइज यार यहाँ तक पहुँचने के लिए करना क्या क्या पड़ता है मैं सारा चीज़ बताता हूँ। सो आप लोग को एक चैनल क्रिएट करना पड़ता है, आप लोग को रेगुलर वीडियोज अपलोड करने पड़ते हैं, उसमें भी एक क्राइटेरिया होता है कि 4000 आवर वॉच टाइम होना चाहिए और प्लस में 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए 1 ईयर में, तब जाके आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज होता है, तब फिर आपके जो वीडियोज में एड आने लगता है और एड से थोड़े बहुत पैसे आने लगते हैं। मतलब थोड़े बहुत क्या बोलूं, बहुत ही कम जो पैसे हैं वो आते हैं, तो कुछ डॉलर आता है लाइक 0.02 ऐसे करके, मतलब स्टार्टिंग में तो क्या ही बोलूं, मतलब बहुत कम आते हैं। तो उससे भी आप लोग को डिमोटिवेट नहीं होना है, रेगुलर अपने वर्क में काम करते जाना है। तो धीरे धीरे करके फिर इसी तरह करके मुझे जब मेरा मोनेटाइज हुआ था उसके बाद मुझे 6 महीने लग चुके जो मेरा फर्स्ट पेमेंट आया, मतलब वहाँ से लेकर 6 महीने लगे और उधर से मुझे 1 साल मतलब लग चुका था मोनेटाइज करने में। तो समझ सकते हो आप लोगों को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा फर्स्ट पेमेंट के लिए। तो ऐसा कुछ था, मुझे 6 महीने लगे जो मेरा फर्स्ट पेमेंट आया। तो कह दिया जो मेरा फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट है वो कितना आया मैं एग्जैक्टली तो नंबर में नहीं बता सकता, क्योंकि यार ये यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। तो मैं आप लोग को बता दूंगा, क्योंकि यार एक मैंने मोबाइल भी परचेज करा है तो उसमें मैं बता दूंगा आप लोग को, आप लोग इजिली समझ जाओगे। तो वो कौन सा मोबाइल है मैं वो दिखाता हूँ सबसे पहले और आप लोग को लास्ट में पता चल जाएगा मेरा यूट्यूब जो इनकम है, जो मेरा पेमेंट है वो कितना आया फर्स्ट पेमेंट। तो काफ़ी मजा आने वाला है। और मैं कौन सा फ़ोन परचेज कर रहा हूँ सिर्फ कैमरा के लिए, मतलब ड्राइंग वीडियोस को रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो चलो पहले मैं अब उस मोबाइल का अनबॉक्सिंग वगैरह करूँगा, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा उस फ़ोन के बारे में। सो गाइस यार जो मेरा फर्स्ट पेमेंट है यूट्यूब से वो कितना आया मैं बता देता हूँ। और जो मैं ये मोबाइल परचेज कर रहा हूँ सैमसंग M12 है, तो इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसका प्राइस आप लोग देख लेना, इसका प्राइस कुछ है आप लोग देख लेना, फिर उसके बाद 2000 रुपीज़ माइनस कर देना, तो उतना मेरा जो पेमेंट है यूट्यूब के तरफ से उतना आया है। और फिर मैं अब इस जो फ़ोन लिया हूँ इसका मैं अनबॉक्स करता हूँ और इसका कैमरा क्वालिटी वगैरह सब वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं सारा चीज़ इसमें देखूंगा कि कैसा वीडियो रिकॉर्डिंग होता है और कैसा है, आप लोग भी परचेज कर सकते हो अपने ड्रॉइंग वीडियोज़ को शूट करने के लिए। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो कैसे यार आप लोग को मैं लेके चलता हूँ अपने सेटअप पे, वहाँ पे आप लोग को क्लियरली दिखेगा। तो चलो मैं अनबॉक्स करता हूँ अपने मोबाइल का। तो गाइस जो मैं फ़ोन परचेज करा है ये सैमसंग गैलेक्सी M12 है और इसे मैंने क्यों परचेज किया, क्या रीज़न था, तो ये सारा कुछ बताने वाला हूँ।
लाइक आप लोग देखे होंगे, मतलब कोई भी चाइनीज फोन में, लाइक मेरे पास भी चाइनीज फोन है, रियलमी 6 मैं यूज करता हूँ, प्लस में रेडमी हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, ये सब जो भी चाइनीज फोन है, इसका आप लोग कैमरा में एक चीज मतलब गौर करना कि जब भी ये मतलब वीडियो वगैरह बनाओगे तो ये थोड़ा ब्राइटनेस कर देता है। लाइक आप जैसे पेड़ के पत्ते मतलब जो होते हैं, जो ट्रीज के जो लीफ होते हैं, वो उसका जो कलर होता है उसको ब्राइट कर देता है, लाइक थोड़ा सुंदर बनाने के लिए। तो यार हम लोग को ड्रॉइंग में सुंदर थोड़ी चाहिए यार, कोई ब्राइटनेस थोड़ी चाहिए, जो रियल है वो दिखना चाहिए। बट वो कैसे मिलेगा, वो चाइनीज फोन में मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। जो मेरा रियलमी 6 है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सब चीज़ के लिए ठीक है, बट ड्रॉइंग के लिए ये मतलब ड्रॉइंग के लिए ठीक नहीं है। आप उससे ब्लॉक कर सकते हो, अपना फेस वगैरह का वीडियो बना सकते हो, बट जो ड्रॉइंग के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं करता, क्योंकि उसमें ब्राइटनेस वगैरह दे देता, ब्यूटी ट्यूटी का कोई काम नहीं होता। सिर्फ आप लोग को चाहिए होता है कि मतलब जो रियल है वो दिखे, ना कि थोड़ा ब्राइटनेस कर दे, थोड़ा ब्राइट कम कर दे, मतलब सुंदर बनाने के लिए कुछ भी कर दे। तो ऐसा चाइनीज फोन में करते हैं, लाइक रियल मी ये सब में। इसलिए मैं सैमसंग में गया, क्योंकि सैमसंग का जो कैमरा होता है वो रियलिटी दिखाता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल रियल वीडियो देता है। तो फिर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो मैं इसका भी वीडियो बना के दिखा दूंगा, कितना मतलब फ़र्क देखने को मिलेगा। और अब से जो ड्राइंग वीडियोस आएंगे उसका क्वालिटी आप लोग देखना, पिछले वीडियोस से मैच करना, काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और हाँ गाइज, इस फ़ोन को खरीदने का और एक रीज़न था, लाइक मेरा जो एक फ़ोन है ये वाला जिससे वीडियो बन रहा, ये रियलमी 6 का है, और मेरे पास एक मोटो का था जिससे मैं रेफरेंस फोटो देखता था, इसी से रेफरेंस फोटो देख के मैं ड्रॉ करता था। बट इसकी हालत देख सकते हो, कंडीशन देख सकते हो, काफ़ी ख़राब हो चुकी है, मतलब ये अंदर से भी ख़राब हो चुका, ये मतलब ऑन भी नहीं होता, और काफी इसका बैटरी भी बिल्कुल खराब हो चुका है, मतलब ऑन होता है फिर स्विच ऑफ हो जाता। तो ये कुछ है, अगर इसे मैं ठीक करवाता तो कम से कम 4,000 से 5,000 रुपए चले जाते। तो मैं इसलिए सोचा क्यों ना मैं एक नया फोन ही ले लेता हूं। तो नया फोन में भी सोचा मैं कम दाम का नहीं लेता हूं, कुछ अच्छे प्राइस में ही, मतलब अच्छे प्राइस का ही मैं ले लेता हूं, जिससे मैं वीडियो भी शूट कर पाऊं। तो काफी मैं सोचा, तब जाके ये गैलेक्सी M12 मैंने परचेज करा है। तो ज्यादा देर ना करते हुए देख सकते हो इसमें क्या क्या आता है, मैं सारा चीज दिखा देता हूं। लाइक ये जो हमारा है, ये हमारा सैमसंग फोन है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, इसमें 4 कैमरे देख पा रहे होंगे आपको। तो ये कुछ ऐसा है, ये है मेन कैमरा, ये माइक्रो कैमरा जो भी होता है, ये सारा चीज़ है। और ये कुछ है, मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, तब तक ऑन होने देते हैं गाइस। और यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा बिल है जहाँ से मैंने परचेज करा था, तो इसे मैं साइड में रखता हूँ। और इसके साथ आता क्या क्या है, एक चार्जर आ जाता है, देख सकते हो ये वाला जो सैमसंग का होता है, ये है 18 वाट का है। तो और ये मैं सारा चीज़ डिटेल वगैरह बता दूंगा। तो ऐसा कुछ है, इसे मैं साइड में रखता हूँ, अब इसे ऑन होने देते हैं। और देख सकते हो ये हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो रहा है, और ये हो चुका है। तो इसमें मैंने पासवर्ड सेट कर दिया था पहले से, अब फ़ोन इज स्टार्टिंग, अब फ़ोन अच्छे से स्टार्ट हो रहा। तो इसे स्टार्ट होने देते हैं, फिर आप लोग को बताऊंगा। लाइक ये जो फ़ोन है अब स्टार्ट हो चुका है, लाइक ये देख सकते हो ऐसा कुछ है। और मैं इसका कैमरा दिखा दूंगा आप लोग को, और इसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या है इस फ़ोन में। जो है इसका जो बैटरी है वो 6000 mAh का है, जो कि काफ़ी टाइम तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाएगा, और जल्दी इसका जो चार्ज है वो ख़त्म नहीं होगा, जो लगता है ना, मतलब कोई फ़ोन में जब भी आप वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करते हो तो जल्दी जल्दी मतलब होता है कि मतलब वो बैटरी वगैरह ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आप काफ़ी ज़्यादा देर तक आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे कुछ नहीं होगा, मतलब तब भी आपका जो बैटरी है वो 60% से एवर बचा ही रह जाएगा। तो ऐसा कुछ है, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पावर एक बोल सकते हैं इसमें, मतलब बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल बोल सकते हैं ये एक मोबाइल है। सो गाइस यार, ये जो फोन मैंने परचेज करा है इसमें 4GB रैम है प्लस 64GB इंटरनल है, तो ये काफी है स्टोरेज के लिए। और जो मैं इससे रिकॉर्ड कर रहा हूं इसमें तो 6GB रैम है प्लस में 128GB का इंटरनल मेमोरी है, तो इससे भी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, इससे भी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। बट वीडियो रिकॉर्डिंग इससे करूंगा, सारा एडिटिंग वगैरह सब इससे करूंगा, अपलोडिंग भी इसी से करूंगा। तो ये मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए लिया है, और मैं इस फोन से जो मतलब बना रहा हूँ वीडियो, इसमें मैं रेफरेंस फोटो देखूंगा और फिर इससे मैं कैमरा शूट करूंगा। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए इसका कैमरा आप लोग को दिखाता हूँ। सो गाइस यार, कैमरा ऑन करते हैं, और कैमरा ऑन करके वीडियो पे जाते हैं, क्योंकि यार हम लोग को वीडियो से मतलब है, ना कि फोटो वगैरह से। सो मैं एक आर्ट वर्क लेता हूँ, लाइक ये वाला देख सकते हो, जो कि मैंने मनीष का प्रोफेसर बनाया हुआ था। तो अब इसका मैं वीडियो शूट करके देखता हूँ, मतलब वीडियो दिखाता हूँ आप लोग को। तो कुछ ऐसा बन रहा, लाइक आप लोग देख सकते हो
कुछ ऐसा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, लाइक मैं वीडियो इससे रिकॉर्ड करके आप लोग को मैं वीडियो भी चला दूंगा, तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो आपके सामने मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो गाइज मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है, अब मैं इसे यहाँ पे आप लोग के सामने चला देता हूँ, तो आप लोग देख लेना। सो गाइज यार देखने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कितना ज़्यादा मस्त कैमरा इसका आता है, और अब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में आप लोगों को काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, काफ़ी जो पुराने वीडियोस होते हैं उससे आप लोगों को अच्छा एक वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेगा। सो ये सारा चीज़ मैं आप लोग के लिए ही कर रहा हूँ, और जो मेरे यूट्यूब पेमेंट वगैरह भी आए वो आप लोग के ही हेल्प से आए, और आप लोग एक यूट्यूब फैमिली हो मेरे लिए, तो मुझे एक मतलब एक होता है कि जो भी होता है मेरे साथ वो चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं सारा चीज़ शेयर किया आप लोग के साथ कि मेरा जो पेमेंट है वो कितना आया, और मैं एक फ़ोन भी परचेज करा, तो ये कुछ सारा चीज़ आप लोग के साथ शेयर इसलिए करता हूँ क्योंकि यार आप लोग फैमिली से कम नहीं हो, और ये सारा चीज़ जो हो पाता है ये सिर्फ आप लोग के कारण ही हो पाया, और जो नेक्स्ट पेमेंट आएगा उसमें मैं आप लोग को एक प्रॉमिस करता हूँ कि उसमें मैं एक आर्ट कंपटीशन ज़रूर रखूँगा, जो नेक्स्ट पेमेंट आएंगे तो उसमें काफ़ी कुछ प्राइजेस वगैरह आप लोग को उस पेमेंट से ही मैं दूंगा, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो वो नेक्स्ट मंथ में आई थिंक आ जाएगा, सो उसके लिए वेट करना। तो आई होप कि अभी तक यहाँ तक जो देखे होगे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और आप लोग भी ये फ़ोन परचेज कर सकते हो क्योंकि यार सैमसंग है, और इसमें आप लोग को जो वीडियो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी रियलिटी मिलता है, ना कि इसमें ज़्यादा ब्यूटी कर देगा, ना कि आप लोग को ब्राइट कर देगा आपको अच्छा दिखने के लिए, तो हम लोग को यार ड्राइंग में थोड़ी अच्छा दिखना है यार, ड्राइंग जो है बिल्कुल मतलब जैसा है वैसा दिख जाए तो वही काफ़ी है हम लोग के लिए, हम लोग को मतलब ड्राइंग में ब्राइट करके तो जितना मतलब जैसा हम लोग ड्रॉ किए वो उसका तो बेकार कर देगा, मतलब वो जो जैसा दिख रहा है उसको ब्राइट करके उसका जो रंग है वो फीका हो जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। बट जो सैमसंग का फ़ोन आप लोगे, मैं ये नहीं बोल रहा कि सैमसंग M12 ही लो, बट कोई भी आप लोगे तो उसका भी क्वालिटी आप लोग देख लेना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से अगले और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, अभी के लिए बाय एंड टेक केयर।